कहते हैं कि अगर हौसला हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, और इस बात की मिसाल दे रहा है एक बच्चा। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। हौसलों की एक अनूठी उड़ान। बिना हाथ के तैरता है एक बच्चा। करता है पानी में मुकाबला। पैर से पूरा करता है होमवर्क। दूसरों के लिए बना प्रेरणा। रतलाम में रहने वाला अब्दुल जब स्विमिंग पूल पर पहुंचता है तो उसे देखने वालों की भीड़ लग जाती है। पहली बार देखने वालों के मन में सवाल आते हैं कि आखिर बिना हाथ के ये छोटा सा बच्चा कैसे तैर पाता होगा। लेकिन जब अब्दुल तालाब में उतरता है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हाथ न होने के बावजूद तैराकी की हर विधा में महारत हासिल कर रहा है ये बच्चा। अब्दुल के पिता का कहना है कि पिछले 24 मई को अब्दुल अपने ननिहाल भोपाल में था, वहीं उसके हाथ बिजली की हाई टेंशन लाइन पर लग गए। इस हादसे में बच्चा दोनों हाथ खो बैठा। घटना के बाद बाकी लोगों के साथ एक बार घर वालों को भी लगा कि इसके जीवन की रफ्तार धीमी हो जाएगी, लेकिन चंचल स्वभाव और आगे बढ़ने की ललक ने अब्दुल को नई जिंदगी दे दी। इस उम्र में उसे जो भी चैलेंज मिला उसने बड़ी आसानी से उसे पूरा कर लिया, चाहे पैर से होमवर्क करने की बात हो या फिर घर के दूसरे काम। तालाब में तो अब्दुल ने अपने हौसले से सभी को हैरान कर दिया। जहां लोग जिंदगी भर कोशिश करने के बाद तैराकी नहीं सीख पाते, वहीं अब्दुल केवल 20 दिन में कुशल तैराक बन चुका है।
चलाना सीखा, काम घर के सब छोटे मोटे काम कर लेता है, लैपटॉप चलाना, टेप चलाना, इसके लिए एक साइकिल बनाई है मैंने, वो साइकिल चलाता है। फिर एक दिन ये बेटा बेटा बोला कि मेरे को स्विमिंग भी करना है पापा, मैं स्विमिंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बस हम रात को ऐसे डिस्कस कर रहे थे और सुबह सुबह ही राजा भैया का फोन आया, इन्होंने कहीं से नंबर लेके मुझे फोन करा कि मैं आपको बेटे का स्विमिंग सिखाना चाहता हूँ। बस तब क्या था, फिर हम लोग पहुंच गए इनके पास, फिर जैसे एग्जाम खत्म हुई इसकी और हमने इसको स्विमिंग की ट्रेनिंग शुरू करी। पहले तो मुझे भी लग रहा था कि बहुत मुश्किल है, लेकिन जब इसने 2-3 दिन स्विमिंग करी और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, इसने 7-8 दिन में तो फिर तैरना सीख लिया पूरी तरह से, फिर बस चलता गया ऐसा। आज कम से कम 20 दिन के अंदर इतना करीब करीब परफेक्ट स्विमिंग सीख ली है। अब्दुल को तैराकी में माहिर बनाने में स्विमिंग पूल के संचालक और उसके कोच का बड़ा हाथ है। वो कहते हैं कि इस बच्चे को तैरने का इतना शौक है कि 2-2 घंटे तैरता रहता है। दूसरे लोगों के लिए भी ये बच्चा मिसाल बन चुका है। एक लाइन ही हौसलों की उड़ान कर दिया है और हम ये चाहते हैं कि अब्दुल के हौसलों को देखें, आप सबके माध्यम से समाज में जो भी ऐसे बच्चे हैं या कोई भी है जिनके हम किसी कारण से दुर्घटना में चल गए, उनको प्रेरणा मिले और वो ये नहीं सोचे कि वो कुछ नहीं कर सकते। मैं अंदर टाइम अंदर रह नहीं सकता था, बाहर से इसको जो टेक्निक बताते रह गए, इतने 6-7 दिन में इतना कर लिया था कि मेरे को भी ऐसा लगने लगा था कि अब्दुल मध्य प्रदेश में तो क्या इंडिया में नाम रोशन कर सकता है। कितने घंटे स्विमिंग आपने सिखाई उसको? ये शुरू से 1 घंटे करना चालू करा था इसने, अभी 2 घंटे तक इसको बड़ी मुश्किल से बाहर निकालना पड़ता है कि उसको मतलब स्विमिंग, बोले नहीं अभी तो और करना है, मेरे भी स्टेप ना है और करना है। स्टेप कर लेता है ये, बैक स्ट्रोक कर लेता है, फ्री स्टाइल कर लेता है। और जितनी तक पानी प्लान है इसके लिए, मेरे को आगे ये प्लान है कि अगर मीडिया के माध्यम से कहीं इसको मतलब बाहर कहीं विकलांगों की स्विमिंग कॉम्पिटिशन होती है, उसमें अब्दुल जरूर अपने रतलाम का नाम रोशन करेगा। अब्दुल को देखने वाले लोग भी उसकी तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि ये बच्चा जरा जरा सी बात पर जीवन पर भरोसा छोड़ देने वालों के लिए एक प्रेरणा है। जो लोग छोटी सी बात पर दिल छोटा कर लेते हैं, उन्हें जरूर इसकी ओर देखना चाहिए। मैसेज है उन लोगों के लिए जो छोटी छोटी बात पे अपने जान को खत्म करने पे उतारू हो जाते हैं, ये हौसले की वो उड़ान है जो लोगों को जीने की प्रेरणा दिखाता है। मेरी सुबह सुबह की जो छोटी सी एक ननी बच्ची है, वो सुबह उठ के, जो कि रूटीन में वैकेशन है, बच्चों के आराम करना पसंद करते हैं, वो मुझे उठ के बोलती कि नहीं पापा मुझे अब्दुल वहां देखने जाना है, वो कैसा स्विमिंग कर रहा है। तो बच्चों को तो इतनी जागरूकता आई है, मैं सोचता हूं कि निश्चित ही जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं वो लोग अगर इस बच्चे की एक हल्की सी हौसले की उड़ान देखेंगे तो इस प्रकार से मरना सोचना भी दूर दूर तक चला जाएगा। लोग जो भी कहते हो, अब्दुल तो बस अपने काम में मस्त रहता है। जो भी उससे सवाल किया जाता है उसका मासूमियत से जवाब देता है। बहुत सारी चीज करता हूँ। क्या करता हूँ? लैपटॉप चलाता हूँ, टैब चलाता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, साइकिल चलाता हूँ। यहाँ पे स्विमिंग में आपको कौन कौन सपोर्ट करता है? पापा और राजा अंकल। क्या बोलते हैं, कैसे इनकरेज करते हैं आपको? सब बोलते हैं वही करता हूँ। अब्दुल के ऊंचे हौसलों को देखते हुए स्विमिंग पूल के संचालक ने उसे निःशुल्क आजीवन सदस्य बनाया है। वो कहते हैं कि बड़ा होने पर ये बच्चा शहर और प्रदेश का नाम जरूर रोशन करेगा। समय के लिए रतलाम से विजय मीणा।